देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। आईटीआई में एडमिशन लेने वालों से कैसे धोखाधड़ी की जाती है, इसका नजारा आज देखने को मिला गुना में। एक निजी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेने वाले लोगों से कहा गया कि पहले आपसे 32,000 में आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन बाद में छात्रों से 40,000 रुपए की मांग की गई। जब छात्रों ने विरोध दर्ज कराया तब आईटीआई प्रबंधक द्वारा वसूली की गई। ये कहना छात्रों का, जब हमने आईटीआई कॉलेज के प्रबंधक से बात की तो उनका कहना था कि जो छात्र अशोक नगर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके 32,000 रुपए हैं और जो छात्र गुना में एडमिशन लेंगे उनके 40,000 रुपए हैं, जिसमें परीक्षा फीस और प्रैक्टिकल शामिल हैं, और किसी से भी धोखाधड़ी नहीं की गई। अब कौन सही बोल रहा है या कौन गलत, यह तो वक्त ही बताएगा। मैंने आज से 15-20 दिन पहले एडमिशन लिया था जो कि आईटीआई निर्भय में, तो 32,000 रुपये का इन्हें पूरा फाइनल बताया था। अब ये आज फ़ोन लगा के ये बोल रहे हैं कि हम 40,000 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा? अभी आपने सर से बात करी तो किस तरीके से बात कर रहे थे? तो वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और ये मेरे पूरे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फेंक दिए और आगे बाकी बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। और क्या मतलब, आप गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई पैसों की मांग भी थी आप? पैसों की मांग कर रहे हैं ना, 32 में मेरी बात हुई थी, 15 दिन बाद फ़ोन लगा के ये बोलते हैं कि 40 में होगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब मैं जैसे तैसे मैंने जुगाड़ करके आईटीआई के एडमिशन लिया और अब ये कह रहा है मैं 40,000 रुपये इनको कहाँ से दूंगा मैं। भाई समस्या इनकी जो आ रही है, ये अशोक नगर के लिए एडमिशन लेना देना चाह रहे हैं तो इनका 32,000 रुपये के अंदर एडमिशन होगा। वो गुना में अगर एडमिशन लेते तो इनका परीक्षा फीस और प्रैक्टिकल फीस अलग से देना होगा। 40,000 रुपये मांगे हैं जब आपको कोई मिलेगी? 40,000 किसी कोई नहीं दिए जा रहे हैं, 40,000 रुपये उनकी कंप्लीट फीस में होगा। कंप्लीट फीस जैसे इनकी परीक्षा फीस भी होगी, आपकी प्रैक्टिकल फीस होगी। नेकी की दीवार पर किया गया टीन सेट। आपको बता दें कि नेकी की दीवार गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए शुरू की गई थी। बरसात के मौसम में उसमें रखे कपड़े गीले हो जाते थे, इसलिए टीन सेट किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस टीन सेट का इस्तेमाल कौन करता है। क्या है कि अक्टूबर 2016 से हमारे शहर के लोगों ने नेकी की दीवार का कंसेप्ट लॉन्च किया। शहर के लोगों ने मिलकर एक दीवार बनाई और यहाँ पर हम लोग पूरे शहर के लोग वो सब सामान जो हमारे पास अनुपयोगी है, निरुपयोगी है या अब आवश्यकता से अधिक है, उसे यहाँ छोड़ने लगे। 6 माह तक जब ये प्रयोग सफल रहा तो मध्य प्रदेश सरकार ने नेकी की दीवार को पूरे प्रदेश में लागू किया। ये हमारा सौभाग्य है कि गुना को इस बात का अवसर मिला कि गुना ने इस मामले में पूरे शहर, पूरे प्रदेश को लीड किया। धीरे धीरे समय के साथ कुछ आवश्यकताएं नेकी की दीवार की बढ़ने लगी, जैसे टीन शेड देखा कि यहाँ पर कपड़े गीले हो जाते, तो फिर शहर के लोगों ने चंदा करके ये तय किया कि हम यहाँ पर टीन शेड बनाएंगे। उसके एक्सटेंशन की आवश्यकता भी महसूस हो रही थी, तो कितनी बार हज़ार जोड़ी कपड़ा यहाँ पे होता है और वो इस दीवार पे नहीं बनता है, इस अलमारी में नहीं बनता है, तो इसलिए उस पर भी विचार हो रहा है कि हम किस तरह से एक अलमारी और यहाँ पर स्थापित कर पाए। तीसरा, यहाँ कीचड़ हो जाता है तो यहाँ पर फ्लेवर्स लगाने का आइडिया भी हम लोगों का है। जैसे जैसे हम पर चंदा इकट्ठा होता रहेगा हम आगे काम करते रहेंगे। करीबन कितना खर्चा आया इसमें? 22,500 रुपये खर्चा हुआ है। मतलब आगे भी ये सब करना है और अलमारी तो और 10-15,000 रुपये और लगेगा, मिल जाएगा कोई बात नहीं। लूसन के बगीचे में चोरों ने किया हाथ साफ।
लूसन के बगीचा निवासी संत सिंह चौहान के यहाँ चोरों ने आधी रात को हाथ साफ कर दिया। चोर रास्ते से घर में घुस गए और घर में सो रहे लोगों के कमरों के गेट बाहर से बंद कर दिए। उसके बाद घर में रखा 20 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और करीब 25,000 रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी है। चोर भाई साहब क्या आइडिया लगा सकते, चार पाँच लाख रुपया भैया ने 3-4 दिन पहले ही जमा किए हैं। और अमित भाई ये 2:30 बजे से लेकर 3:30 के बीच में है। क्या तेरे उसने मतलब पत्थर ही फेंका था तो मतलब थोड़ा इधर उधर हो गए थे वो लोग और इसके बाद है ना वो जबकि जब इसमें सर 2 से 3 के बीच की घटना है। हम लोग मेरा भाई नीचे रहता है, मैं ऊपर रहता हूँ। नीचे की घटना है, वो गली से ग्रिल तोड़ा उन्होंने और अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं। वहाँ से एक कमरे में भाई सो रहा था तो उसका बाहर से उन्होंने कुंडी लगा दी और अंदर दूसरे कमरे में घुसे जहाँ अलमारी रखी थी, अलमारी में से उन्होंने ताला तोड़ा, तोड़ के गोल्ड वगैरह और चांदी और नगद करीबन कितने लाख का हो? 20 तोला के आसपास गोल्ड और 1 से 1.5 किलो के बीच में चांदी है और 25,000 रुपये नगद। तो टोटल कितने लाख की हो गया है? 6-7 के आसपास। और कुछ? बस यही नगद ही नहीं और कुछ नहीं रह गए। तो आप लोगों को जानकारी नहीं लगी इस रात में? बिल्कुल नहीं लगी। मम्मी इस कमरे में सो रही थी, उनका मोबाइल उठाया, उसका स्विच ऑफ किया और बाहर वाली गेट में जो यहाँ से ग्रिल टूटा तो वहाँ रख दिया। नयापुरा स्थित गैस गोदाम रोड पर डांस कोचिंग क्लासेस के अंदर कुछ अज्ञात लड़कों ने डांस कोचिंग क्लासेस में अंदर घुसकर बच्चों के साथ मारपीट की और क्लास में तोड़फोड़ भी की। बच्चों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर अज्ञात लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। धरनावदा गांव का अंडर ब्रिज बना, पूरे क्षेत्र के पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुसीबत। थोड़ी सी ही बूंदाबांदी में पानी ब्रिज के अंडर इकट्ठा हो जाता है, बच्चों को डूबने का डर सताता है। वहीं वाहन चालकों ने बताया कि जब यहां से पुल में से निकलना होता है तो वाहन किसी परिचित के यहां रखना पड़ता है। वहीं लोग व बच्चों को निकलने के लिए पटरी के ऊपर से जाना पड़ता है। धरनावदा गाँव में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होने से खेजड़ा, आमखेड़ा, पाटन, रामपुरा, खेजड़ा गुरुजी, गोनल, ईम, इमलिया आदि गाँव के विद्यार्थियों को मुख्य विद्यालय, इन सबको इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। बच्चों की ड्रेस खराब हो जाती है। बच्चों का कहना है कि यदि थोड़ा कम पानी भी हो जाता है तो इसमें सांप दिखाई देते हैं। पटरी पार कर किसानों को भी ट्रैक्टर निकालने में और हार्वेस्टर निकालने में परेशानी होती है। कभी कभी तो खाद के कट्टे पटरी के ऊपर से पार करना पड़ता है। जाने कब होगा इसमें पानी निकासी का प्रबंध?
यहाँ से रोजाना निकलते हैं, तो एकमात्र धरनावदा आने का रास्ता है ये भी टूटा हुआ है और यहाँ पे हमको बहुत दिक्कत आती है। अभी मेरी गाड़ी बीच में भीड़ में ही रह गई थी, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक दिन का काम भी नहीं है क्योंकि हो जाए, लेकिन अब बार बार परेशान होना पड़ता है यहाँ से, नहीं तो फिर रेलवे के ऊपर से गाड़ी चलाना पड़ती है। अब इसमें गाड़ियाँ गुजरती हैं, दुर्घटना होने का भी डर रहता है, तो नीचे से या ऊपर से निकालना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं हमको समस्या बनी हुई है। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के चलते ग्राम झागर और ग्राम मोई में पानी भरना शुरू हो गया है। सड़कों पर पानी देखा जा सकता है, साथ ही ये पानी घरों और दुकानों में भी घुसने लगा है। इसके साथ ही स्कूल भी इसकी चपेट में आ गए हैं। स्कूल के बाहर पानी भरा हुआ है जिसके चलते बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं। विगत दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण ये हालात बने हैं। अभी भी मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। पानी निकासी की वैकल्पिक सुविधा न होने के चलते घरों एवं दुकानों में पानी भर गया है, साथ ही जनजीवन पूरी तरह से बिगड़ गया है। जागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। पैदल वैष्णो देवी यात्रा पर निकला श्रद्धालुओं का जत्था, साथ ही जगह जगह हुआ स्वागत। बमोरी से बघेल समाज की यात्रा जो कि पैदल यात्रा है, इस यात्रा का म्याना पर समाज सेवी ओएन शर्मा की फैक्ट्री पर एक दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। साथ ही यहां पर रात्रि विश्राम व्यवस्था और भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी कराई गई एवं उनका भव्य स्वागत किया गया। यह यात्रा गुना जिले से वैष्णो देवी तक पैदल की जा रही है। म्याना से सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बुल्लनपुरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय इन दोनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से प्रयास करने के बाद भी ना तो इसकी हालत में कोई बदलाव आया है और न ही किसी ने इसकी बदहाली दूर करने की कोशिश की है। बुल्लनपुरा तिराहे पर स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों तेज बारिश के चलते पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बच्चे स्कूल पढ़ने आने में असमर्थ हैं।
लुधियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।